नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चार परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत दोपहर लगभग 12 बजे आगरा के लिए करेंगे प्रस्थान। करोड़ रुपए की चार प्रमुख परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया शिलान्यास। कहा, बुलेट ट्रेन की गति से विकास कराती है ट्रिपल इंजन की सरकार। विकास के लिए पैसों की नहीं है कोई कमी, संरक्षण की जिम्मेदारी है नागरिकों की। दुष्कर्म व लूट करने वाले दो अभियुक्तों अमरजीत निषाद उर्फ मिट्टू निषाद एवं अरविंद निषाद के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह 10 बजे जटाशंकर गुरुद्वारे पर पहुंचकर करेंगे उनको नमन। सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल गुरुद्वारा का डीआईजी जे रविंद्र गौड़ एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीदी पर्व पर सीएम योगी के आगमन को लेकर गुरुद्वारा परिवार की तरफ से तैयारियां हुई पूरी। सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी अजीत कुमार को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मद्देनजर सोमवार को वाहनों का किया गया रूट डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सोमवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा रूट डायवर्जन। अपहरण में सहयोग करने के आरोप में एक अभियुक्ता को हरपुर बुधहर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। चंपा देवी पार्क में 1000 से अधिक जोड़े लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शादी के फेरे। नौ विवाहित जोड़ों को सीएम योगी देंगे आशीर्वाद। सभी तैयारियां हुई पूरी। जलकल विभाग के सहायक व अवर अभियंता से रंगदारी मांगने वाले शातिर अभियुक्त शिवदयाल पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया गया यातायात नियमों का पाठ। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, विभिन्न माध्यम से जागरूकता फैलाने का निरंतर किया जा रहा है प्रयास, ताकि अधिक संख्या में लोग सड़क सुरक्षा के प्रति हो सके जागरूक। पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, सभी लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए रक्तदान। एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की बचाई जा सकती है जान। और सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा एग्रो कप क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एल्यूमिनाई व नए खिलाड़ियों के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। एल्यूमिनाई खिलाड़ी विजेता व नए खिलाड़ी हुए उप विजेता। एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1800 करोड़ की चार परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का पूजन अर्चन किया। उसके बाद मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। सोमवार को जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनने के बाद जटाशंकर गुरुद्वारा तेग बहादुर सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री चंपा देवी पार्क में 1000 जोड़ों के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व राज्य में समान विचारधारा की डबल इंजन की सरकार होने से ही उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से विकास संभव हो पा रहा है। जब स्थानीय स्तर पर भी उसी पार्टी की समान विचारधारा की सरकार होती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है। गोरखपुर में ऐसी ही ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिले में सभी 9 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर भाजपा का होने का ही परिणाम रहा है कि यह द्रुत गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की यह गति थमने ना पाए। सीएम योगी रविवार शाम 1822 करोड़ रुपए की लागत वाली फ्लाईओवर, 4 लेन, जल निकासी और सीवरेज से जुड़ी 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। विकास की प्रक्रिया से जुड़ना हो चुके कार्यों का संरक्षण करना और जो हो रहा है उसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। विकास का कोई विकल्प नहीं होता, विकास से ही नागरिकों के जीवन में परिवर्तन आता है, रोजगार का सृजन होता है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं में मानक व गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इन्हें समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। सीएम योगी ने कहा कि पहले माफिया, अराजकता और अव्यवस्था के लिए बदनाम गोरखपुर को प्रदेश सरकार ने विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। 2017 के पहले तक यहाँ का स्वास्थ्य तंत्र चरमराया हुआ था। आज यहाँ एम्स है तो BRD मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं। 1990 में बंद खाद कारखाने की जगह नया कारखाना 105% की दर से खाद उत्पादन कर रहा है। यह अन्नदाता किसानों के लिए रामबाण का काम कर रहा है। खाद कारखाना परिसर में ही सैनिक स्कूल बन रहा है जो अगले सत्र में प्रारंभ हो जाएगा। गोरखपुर में हर मार्ग 4 लेन है तो लखनऊ गोरखपुर मार्ग 6 लेन होने जा रहा है। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन से वाराणसी की दूरी 2.5-3 घंटे में सिमट गई है। सड़कों की कनेक्टिविटी से जाम की समस्या का भी समाधान हो रहा है। गोरखपुर में शानदार एयर कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि प्रमुख शहरों के लिए 14 फ्लाइट की सेवाएं हैं। सरकार यहाँ नए एयरपोर्ट के लिए की धनराशि उपलब्ध करा रही है। मानसरोवर, सूरजकुंड, मुक्तेश्वरनाथ, जयशंकर और मोहद्दीपुर के गुरुद्वारा समेत सभी धर्मस्थल दर्शनीय बन चुके हैं। 8-10 साल पहले तक अपराध का गढ़ रहा रामगढ़ ताल सबसे सुंदर स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ अब फिल्मों की शूटिंग हो रही है। गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय क्रियाशील हैं। एम्स और मेडिकल कॉलेज के साथ ही यहां बड़ी संख्या में अस्पताल और हजारों निजी चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं। गोरखपुर शिक्षा व चिकित्सा का हब बन चुका है। गोरखपुर में निवेश आ रहा है, स्थानीय युवाओं को यही नौकरी व रोजगार मिल रहा है तो देश दुनिया के लोग भी नौकरी और रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नागरिकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के नागरिकों ने विकास कार्यों में कभी बाधा नहीं डाली। जब भी सड़कों के चौड़ीकरण की बात आई तो लोग अपने घरों, प्रतिष्ठानों के हिस्से को देने के लिए तैयार हो गए। असुरन मेडिकल कॉलेज 4 लेन, एयरफोर्स सर्किट हाउस 4 लेन, मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया 4 लेन इसका प्रमाण है। सीएम योगी ने कहा कि गोरधैया नाला परियोजना पर काम शुरू होने के बाद यह नाला न केवल अतिक्रमण मुक्त होगा बल्कि इससे 17 वार्डों की करीब 2 लाख की आबादी के लिए सीवरेज व जलभराव की समस्या का समाधान होगा। परियोजना में 19.5 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन, 38 MLG कि 1 STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 MLD MPS, 19.5 किलोमीटर RCC नाला निर्माण व 22 ब्रिज कलवर्ट आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अंतर्गत कुल 17 वार्डों बिछिया जंगल, तुलसीराम पश्चिमी, शिवपुर, शहबाजगंज जंगल, शालीग्राम, बिछिया जंगल, तुलसीराम पूर्वी, रेलवे बिछिया कॉलोनी, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सिमरा, बशारतपुर, मानबेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर एवं चकसा हुसैन से जनित सीवेज जो नाले में बहते हैं उन्हें प्रस्तावित 38 MLG STP पर शोधित कर रामगढ़ ताल में
प्रवाहित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जलभराव व सीवरेज की समस्या का समाधान होने से एक्यूट एंसेफलाइटिस जैसी जल जनित बीमारियों से भी निजात मिलेगी। गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत जंगल में बेनी माधव, पुराना गोरखपुर, कल्याणपुर, सिविल लाइन्स, राम जानकी नगर, चकसा हुसैन, जनप्रिय विहार, सूर्य कुंड समेत 21 वार्डो के लिए सीवरेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 188 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाते हुए 44,000 घरों को सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि बरगदवा, कौवाबाग, जेल बाईपास, फोर लेन पर खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर बन जाने से यहां लगने वाली जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार भटहट से वासस्थान मार्ग के फोर लेन में चौड़ीकरण व सुंदरीकरण से प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय पहुँचना आसान हो जाएगा। शहर से आयुष विश्वविद्यालय 10 मिनट में पहुँचा जा सकेगा। शिलान्यास समारोह में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ विरोधियों के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने विकास कार्यों से विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। उनके नेतृत्व में गोरखपुर में इतना विकास हुआ है कि अब सब लोगों का सपना है गोरखपुर में रहना। कार्यों के दम पर ही गुजरात के चुनाव में भी योगी जी की जय जयकार हो रही है। सांसद ने सीएम योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं है कि वह किसी की जमीन कब्जा कर ले या किसी कारोबारी से रंगदारी मांग ले। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, कृषि एवं उद्यान विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। शिलान्यास से पूर्व मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, जल निगम और सेतु निगम द्वारा लगाए गए प्रोजेक्ट स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौर, मंडल आयुक्त रवि कुमार एन, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत। विकास की अनवरत श्रृंखला के अग्रदूत उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समाज के संरक्षक, हम सभी के मार्ग स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर आसीन माननीय सांसद गोरखपुर क्षेत्र, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय विधायक बांसगांव क्षेत्र, मंच एवं मंच पर आसीन समस्त सम्मानित जन प्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। इस जनमानस को सशक्त नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए पूज्य पीठाधीश्वर हमनी के गौरव महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। महाराज जी और महाराज जी आपके जो थोड़ा शांत हो जा, सब लोग बैठ जा, बैठ जाओ, कुल माई बहन लोग बैठ जा, आराम से बैठ जा, बैठा बैठा सब लोग बैठ जा, वाह बैठ जा, प्रेम से बैठ जा। महाराज जी के स्वागत अभिनंदन। महाराज जी आज फिर एगो बड़ तोहफा लेके आई है। अच्छा महाराज जी, ये हमेशा जैसे विरोधी लोग कहते रहने कि यार पानी जमा हो जाला। देखो महाराज जी के और गोरखपुर के बारे में किसी के पास अब विरोध में भूलने के लिए कुछ है नहीं, तो तनी मनी पानी जो पिछले साल अलग रहे तो उसको लेके कभी कुछ लोग फोटो लेके सपा के जो अध्यक्ष जी हैं वो सब करते थे। महाराज जी हो गया आज बोना मार के चला स्वाहा बोल रही है बोला नहीं कोई करो। कुल आज जो पूरा 187 करोड़ से
पूरा जो सौगात बांटे महाराज जी का, उन्हें फोर लेन बा ब्रेंडर फ्लाई ओवर का ब्रिज बांटे, जो महाराज जी खुद हमारा भी जैसे विधायक जी कहा महाराज जी भी विस्तार में समझिया, हम खाली इतना कहे चाहब अपने देवकुल जनता से, देखा वो महाराज जी का सौगात जब भी आवा ना खाली हाथ ना आओ, तो महाराज जी का सौगात मिला था और इस सौगात की वजह से आज हमारे गोरखपुर का पूरा नाम पूरे देश में हो गया, आज पूर्वांचल में गोरखपुर का नाम हो गया, देश में गोरखपुर का नाम हो, टीवी के हेडलाइन में गोरखपुर का नाम बांटे, विकास की गंगा बहती है, जब सड़क होती है, जब एम्स होता है, फर्टिलाइजर होता है, चीनी कारखाना होता है, सिविल लाइन बनती है, जब जाम का जाम की स्थिति से महाराज जी मुक्त कराने का सोचते हैं, जब बीड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में विकास, आप लोग के मालूम का फिर माई बहन बच्चा लोग हमारे यहाँ से पलायन होना छूट गया, अब जहां भी जाएगा सांसद के रूप में तो लोग कहते हैं कि भैया हो अब यहरा रहा, यहरा रोजगार मिला था हमके गोरखपुर में, महाराज जी ऐसे कह देलन कि हम जहां जहां एक गरीब आदमी गुरबा आदमी मजदूर नहीं मिला ना, यहाँ सबके पास आज काम है, सबके पास रोजगार है। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ आज 1822 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों कमलों से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी शेषदत्त मछवार जी को इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे देंगे कर कमलों से इसके पश्चात राजमती देवी जी उत्तर प्रदेश शहरी योजना के लाभार्थी राजमती देवी जी, इसके पश्चात कृषि विभाग सिंह जी के पुत्र, इसके पश्चात रविशंकर राय जी सन ऑफ श्री सरजीत राय जी कृषि विभाग के मुख्यमंत्री आवास योजना की ग्रामीण योजना के लाभार्थी श्री रविंद्र जी श्री शिवरतन जी, इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री रामनाथ कन्नौजिया जी उत्तर प्रदेश के माननीय भारती औसती फसल स्टीविया की ड्रिप सिंचाई के लिए, इसके पश्चात यादवेंद्र सिंह जी, सादर धन्यवाद महोदय, आप सबसे अनुरोध हमारे अतिथि महोदय के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है प्रशासन संवाद की ओर से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतरीन विकास की योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी, गोरधोवा नाले का काम पूरा हो जाएगा तब एक बूंद पानी भी गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा, यह भी हम लोग उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बांसगांव से विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, सहजनवा से विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीपाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी पार्षदगण,
अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की चार बड़ी परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश बदल रहा है तो उसके साथ ही उत्तर प्रदेश और गोरखपुर ने भी विकास की एक राह पकड़ी है और विकास की उसी राह को उपलब्ध कराने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास में हूं कि गोरखपुर की जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी, गुड़धोवा नाला सैकड़ों वर्षों से नाला बना हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष उस नाले की सफाई का कार्य हुआ और नाले की सफाई के बाद अब इस साल हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे पक्के नाले के रूप में आगे बढ़ाते हुए गुड़धोवा नाले के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर जिस कार्यक्रम को हम लोग लेकर चल रहे हैं, 475 करोड़ रुपए की लागत से गुड़धोवा नाले के पक्कीकरण करने, उसमें दोनों ओर मार्ग का निर्माण करने और अन्य उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को हम लोग आज यहाँ पर उसका शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसमें लगभग 19.5 किलोमीटर सीवर लाइन, 38 एमएनडी की एक एसटीपी, 61 एमएनडी की एक वहां पर एनपीएस और साथ साथ आरसीसी नाला के साथ साथ 22 ब्रिज कन्वर्ट उसमें प्रस्तावित किए गए हैं और गोरखपुर के 17 वार्डों की सीवर और जल जमाव की समस्या का समाधान उसके माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें जंगल तुलसीराम वेस्ट, शेरपुर सहबाजगंज, जंगल सालीग्राम, जंगल तुलसीराम ईस्ट, रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सेमरा, बसारतपुर, मानकेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल मकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर और चकसा हुसैन, यानी इतने मोहल्ले जल जमाव और सीवर की समस्या का समाधान इतने मोहल्लों का इसके माध्यम से होने जा रहा है। हम सब जानते हैं सीवर की कोई भी व्यवस्थित कार्य योजना गोरखपुर में न होने के कारण तमाम जल जनित बीमारियां होती थी, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी इंसेफ्लाइटिस की समस्या उनमें से एक है। हजारों बच्चे 2017 के पहले बीमार पड़ते थे और उसके बाद बहुत सारे बच्चों की मौतें होती थी, लेकिन अब एक व्यवस्थित कार्य योजना डबल इंजन की सरकार बना रही है, जिसके माध्यम से सीवर की समस्या का, ड्रेनेज और जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान का रास्ता निकलेगा और आज उस कार्य का शिलान्यास भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी 17 वार्डों से जुड़े हुए गोरखपुर महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। लगभग 2 लाख की आबादी से सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। दूसरा है गोरखपुर सिवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 में, इसमें राप्ती और रोहिन नदी में जो नाले गिरते थे, 21 वार्डों के सीवर नेटवर्क को बनाते हुए यहाँ पर एसटीपी के निर्माण के साथ ही 562 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक लंबी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 30 एमएलडी की यहाँ पर एसटीपी की व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है। इसमें जंगल मेलीमाधो, लच्छीपुर, जटेपुर उत्तरी, उर्वरक नगर, लोहिया नगर, जंगल मकहा, अधियारी बाग, राम जानकी नगर, जनप्रिय बिहार कॉलोनी, राम धर्मशाला बाजार, हुमायूंपुर, सूरज कुंड धाम नगर, कल्याणपुर, सिविल लाइन प्रथम, राजेंद्र नगर पश्चिम, आर्य नगर, चकसा हुसैन, जाफरा बाजार, विकास नगर, तिवाड़ीपुर और पुराना गोरखपुर, यानी ये सभी मोहल्ले इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। इसमें 188 किलोमीटर की सिविल लाइन, 30 एमएलटी की एसटीपी,
और 43,900 यानी 44,000 घरों में सीवर के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य इसके माध्यम से होंगे और 2,00,000 की आबादी इससे भी लाभान्वित होगी। यानी जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों का समाधान इसके माध्यम से होगा। और इसके साथ ही 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक है खजांची चौराहे पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर। जब हम लोग बरगदवा से जाते थे जेल बाईपास मार्ग की तरफ सिटी की ओर, तो खजांची चौराहे पर जाम की समस्या वहां दिखाई देती है। गोरखपुर से अगर महाराजगंज और मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना हो तो जाम में मरीज फंस जाते थे। अब वहां पर फ्लाईओवर भी हम लोगों ने दे दिया है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है और इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। और साथ साथ भटर से बास स्थान, गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ हम जब जाते हैं तो 4 लेन की सड़क महाराजगंज तक बन रही है। गोरखपुर से हम लोग जब सुनौली की तरफ जाते हैं तो 6 लेन की सड़क बन रही है। जब बालापार टिकरिया मार्ग पर जाते हैं तो उसको भी 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है, उसके एक फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। लेकिन बीच का ये मार्ग जिसमें मां योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस आयुष विश्वविद्यालय का मार्ग अब तक 2 लेन का भी नहीं था, अब इसको 4 लेन का बनाया जा रहा है। इसमें 700 करोड़ रुपए हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, 700 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का ये मार्ग बनेगा, जिससे गोरखपुर से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किल से 20 मिनट के अंदर कोई भी गोरखपुर सिटी से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंच सकता है। इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये 4 बड़े कार्यक्रम गोरखपुर के हैं, जिनमें 1822 करोड़ रुपए आज यहां पर गोरखपुर को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे गोरखपुर वासियों को, आप सभी नागरिकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बारे में सोचना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और यही जीवन में परिवर्तन लाएगा, इसी से रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने गोरखपुर को विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। 2017 के पहले गोरखपुर में एम्स नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई गई थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के उत्कृष्ट सेंटर के रूप में विकसित हुआ है, तो गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। एम्स अपना यहाँ पर उपचार शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो चुका है। ऐसे ही गोरखपुर में फर्टाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था, आज वह 105% की दर से अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। देश का पहला खाद कारखाना है जो इतने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा है, और गोरखपुर का खाद कारखाना तो इस समय अन्नदाता किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो गया है। समय से किसान को खाद उपलब्ध हो सके इसके लिए गोरखपुर के खाद कारखाने में बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आज आप देख रहे होंगे वहां पर कितना विकास हो रहा है। वहीं पर हम प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, यहाँ पे गोरखपुर का पहला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हम वहीं पे कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग सैनिक स्कूल का कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही गोरखपुर में रामगढ़ ताल, आज आप देखते होंगे एक दर्शनीय स्थल बन गया है। आप मानसरोवर में जाएंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा, सूरजकुंड धाम में जाएंगे, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में आप जाइए, जगत शंकर गुरुद्वारा में आप जाइए, मोतीपुर गुरुद्वारा में आप चले जाइए, हर एक धर्म स्थल को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के
साथ जुड़ चुका है। गोरखपुर से लखनऊ के मार्ग को 4 लेन के बाद अब 6 लेन में बदलने की कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर का बरगदवा से लेकर के खजांची होते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची होते हुए जेल बाईपास का यह मार्ग, यह 4 लेन के निर्माण की कार्रवाई इसलिए युद्ध स्तर पर चल रही है जिसके आज एक फ्लाई ओवर का शिलान्यास किया जहां किया गया है। ऐसे ही विकास की इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज विकास यूनिक प्रक्रियाओं के साथ आपको जोड़ने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, आज आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों हम सबको देखना होगा। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि विकास की हर परियोजना में आज केंद्र और राज्य सरकार जब एक जैसी विचारधारा की सरकारें होती है तो डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करती है और डबल इंजन के साथ जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी उसी पार्टी की सरकार और बोर्ड गठित होता है ये ट्रिपल इंजन का काम करता है। 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की दिशा में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज कोई रामगढ़ ताल में आएगा उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये गोरखपुर का ही रामगढ़ ताल है जहां पे 8 साल 10 साल पहले अपराध का एक गढ़ माना जाता था। आज वह गोरखपुर का सबसे सुंदर स्थान बन चुका है। लोग जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, हजारों लोग घूमते हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कालीबाड़ी के बाबा सीताराम जी ये सभी लोग वहां पे फिल्मों में शूटिंग भी कर रहे हैं। यानी ये सभी कार्य वहां पे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जिस भी मार्ग पे आप जाएंगे वहां पर जाम की समस्या का समाधान करने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के किसी भी कार्य में गोरखपुर के किसी भी नागरिक ने कभी बाधा नहीं डाली। जहां भी वो सड़क चौड़ी हुआ उस मार्ग पर जो भी व्यवसायी थे, जो भी चिकित्सक थे, जो भी शिक्षक थे, जो भी अधिवक्ता थे, उन लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि विकास का कार्य हो रहा है, गोरखपुर के विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे घर, मेरे दुकान, मेरे घर या मेरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान से कुछ जमीन लेनी है तो मैं देने को तैयार हूं। और भाइयों बहनों आज उसी का परिणाम है कि असुरन से मेडिकल कॉलेज घटन मार्ग 4 लेन में बन चुका है। उसी का परिणाम है कि एयरपोर्ट से सर्किट हाउस का मार्ग 4 लेन में बन चुका है। मोतीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़ी और सुमौली मार्ग 4 लेन के बाद 6 लेन में बदल रहा है। पैडेगंज से नौसर होते हुए 4 लेन के बाद अब 6 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है और नौसर से लेकर के बागा पार होते हुए वाराणसी का मार्ग 4 लेन में बनकर के तैयार हो चुका है। मैं बताता था ना कि जो अभी गोरखपुर से वाराणसी की दूरी 8 से 10 घंटे लगती थी आज के दिन में मात्र 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। आज से 10 साल पहले स्थिति गोरखपुर से लखनऊ की दूरी की भी स्थिति थी कि गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3 से 3.5 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ की दूरी आप तय कर सकते हैं। गोरखपुर को बेहतर एयरलाइन की कनेक्टिविटी मिली है, 14 फ्लाइट इस समय गोरखपुर से चल रही है, 14 फ्लाइट हर एक जगह, दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, हैदराबाद के लिए, बेंगलुरु के लिए, प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए, हर एक जगह के लिए गोरखपुर की फ्लाइट की सुविधा। और गोरखपुर में नए एयरपोर्ट के विकास के लिए भी सरकार ने धनराशि उपलब्ध करा दी है, बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज गोरखपुर शिक्षा का एक हब बने इस दिशा में प्रयास हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं, ये 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर को यहां पर उच्च शिक्षा का एक केंद्र बनाएंगे तो साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा का केंद्र भी बन चुका है। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल्स और निजी क्षेत्र में कार्यरत हजारों चिकित्सक गोरखपुर के इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। निवेश आ रहा है गोरखपुर में, जो गोरखपुर का नौजवान पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर भटकता था,
आज उसको तो यहीं पे रोजगार और नौकरी मिल रही है, साथ साथ दुनिया के लोगों को अपनी रोजगार और नौकरी के लिए गोरखपुर में आना पड़ रहा है। यह है बदलती हुई तस्वीर, और उसके पीछे कारण है गोरखपुर में, जो गोरखपुर कभी बदनाम था माफिया गतिविधियों के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने वाले तत्वों के कारण आज उस गोरखपुर ने अपनी तस्वीर को बदला है। आज गोरखपुर में विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ, सुरक्षा का बेहतर मॉडल खड़ा करता हुआ, विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच किन्नियों की ओर अग्रसर गोरखपुर दिखाई दे रहा है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़े, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ साथ जो बना है उसका संरक्षण करना, और जो नहीं हुआ, जो काम हो रहा है, उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा देना। और इसके लिए गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर के सभी 9 के 9 विधायक चुनाव जिता करके भेजे, मेयर गोरखपुर का, जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर में भाजपा के जीते, तो परिणाम है कि विकास भी उसी गति के साथ गोरखपुर में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले समय में भी विकास की रफ्तार थमने ना पाए, इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा। आज यहां पर 1822 करोड़ की जिन परियोजनाओं को यहां दिया जा रहा है, मैं सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से कहूंगा इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, कार्य के मानक और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इसका लाभ गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को मिल सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन हर गोरखपुरवासी भी विकास के प्रति अपने उन उत्तरदायित्व के साथ जुड़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। गुलेरिया थाने की पुलिस ने दुष्कर्म लूट करने वाले 2 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 अभियुक्तों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान अमरजीत निषाद उर्फ मिट्टू निषाद निवासी बनगाई टोला बंगला थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा अरविंद निषाद पुत्र राकेश निषाद निवासी बनगाई टोला बंगला थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर दुष्कर्म व लूट की कई घटना शामिल थे, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गुलेरिया में आज 2 गिरोहों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसमें एक गिरोह अमरजीत के नेतृत्व में था, जिसमें कि उसके विरुद्ध लूट और चोरी तथा बलात्कार संबंधी अपराधों के आपराधिक इतिहास था। दूसरा गिरोह सूरज और इस्माइल के नेतृत्व में था, इसमें ये लोग पशु तस्करी करते थे और कुशीनगर से और गोरखपुर से पशुओं को ले जाकर बिहार में बेचते थे। उल्लेखनीय है कि ये वही गैंग है जिसने गुलेरिया थाने के सामने PRV को क्षतिग्रस्त किया था। इन दोनों ही गिरोहों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी और अनियमित पाए जाने पर उसको जब्ती कराया जाएगा। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस सोमवार को जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर मनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर को नमन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जटाशंकर गुरुद्वारे पर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए रविवार को DIG जे रविंद्र गौड़ एवं SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने गुरुद्वारा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री किस रास्ते से जाएंगे, कहां कहां बैठेंगे, इन सब के बारे में जानकारी ली तथा वहां पर लगे CCTV कैमरे को भी देखा, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर सिंह शहीदी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के 7 साल के बाद
इस गुरुद्वारे में प्रथम आगमन होगा। यह सभी सिख भाइयों के लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री को इस गुरुद्वारे से काफी प्रेम रहा है। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इस गुरुद्वारे को सुंदरीकरण करने के लिए सहायता मिली थी। उनके आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा के लिए काम किया गया तथा गुरुद्वारे को सजाया गया है। गुरुद्वारा परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, ऐसे आएंगे? हाँ जी, ये सब कवर कर देंगे हम लोग। लिफ्ट जाती है महाराज जी, नहीं लिफ्ट लगाई है लेकिन हम लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है महाराज जी, लिफ्ट यूज कम होगी आपके पास है क्या? क्या क्या हम इसमें लोग हमारा भी शाम को इसकी डेकोरेशन उसके बाद ये इधर से आएंगे उस पार्ट के नीचे वहाँ बना लें, ये बैरिकेड हो जाएगा सर। सर 2 मिनट में इसी बहाने आप आए, अच्छा लगा आए दर्शन हो जाएगा, बात हो जाएगी आप लोगों से। बैठिए, कब का है ये? इधर आइए, महत्वपूर्ण है तब तो फिर। बोले सोनिहाल सत्य काल, इसमें अंदर भी सीसीटीवी लगाया है आपने? सब लगा, व्यवस्था था, व्यवस्था बहुत अच्छा है, तो हाल बहुत अच्छा है। हाल की मेहनत तो बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा बहुत ही सब आप लोगों कैसे कर रहे हैं? सबसे सारे काम पे सर सर हां अभी देखो कल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में हिंद की चादर शहीदों के सरताज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व बहुत श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास बाहर से लागी जत्ते प्रचारक आए हुए हैं, लंगर भी होगा, लात का दीवान सजाया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस गुरुद्वारे से विशेष प्रेम था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण के लिए हमें कुछ सहायता भी दी थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो यहाँ पर नहीं आ सके थे, यद्यपि इसके पहले हर कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात भी है कि 7 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे इस गुरुद्वारे में आ रहे हैं।
उनके आगमन को देखते हुए हम लोगों ने उनकी सुरक्षा के लिए उनके सब तरीके प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था जारी है, गली की सफाई हो रही है, पूरी सफाई हो रही है, तो उनका हम यहाँ पर स्वागत करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। गोला थाने की पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजीत कुमार तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम बारानगर व ग्राम डडिया थाना गोला गोरखपुर पुत्र राम वृक्ष निवासी ग्राम धुचिया पार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त ने आवास योजना का अपात्र लोगों को लाभ दिया था और बिना शौचालय बने पैसा निकाल कर दुरुपयोग किया था, जिसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाने के उप निरीक्षक जयराम यादव, अनिश कुमार सिंह, कांस्टेबल वरुण पांडे, प्रदीप जायसवाल, गुरु प्रसाद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना गोला जनपद गोरखपुर के दो मुकदमों में आज गोला पुलिस को गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। एक मुकदमा 2020 का है, दूसरा 2022 का है। दोनों मुकदमे 409 आईपीसी से संबंधित हैं। एक पंचायत सेक्रेटरी ने 2020 में बिना शौचालय बनवाए तमाम लाभार्थियों के खातों में पैसे भेज दिए थे, जिसकी जांच हुई, तत्क्रम में ये मुकदमा लिखाया गया था। इसी तरह से इसने प्रधानमंत्री आवास योजना में तमाम अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके खातों में स्वीकृति करा करके पैसा भेजा था, जांच में वो भी पकड़ा गया, जिसका मुकदमा 2022 में पंजीकृत हुआ। आज दोनों मुकदमों में इसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करके अन्य विधिक जो भी कार्यवाहियां शेष हैं वो पूरी कर ली जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चार परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग, मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत दोपहर लगभग 12 बजे आगरा के लिए करेंगे प्रस्थान। करोड़ रुपए की चार प्रमुख परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया शिलान्यास, कहा बुलेट ट्रेन की गति से विकास कराती है ट्रिपल इंजन की सरकार, विकास के लिए पैसों की नहीं है कोई कमी, संरक्षण की जिम्मेदारी है नागरिकों की। दुष्कर्म व लूट करने वाले दो अभियुक्तों अमरजीत निषाद उर्फ मिट्टू निषाद एवं अरविंद निषाद के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह 10 बजे जटाशंकर गुरुद्वारे पर पहुंचकर करेंगे उनको नमन। सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल गुरुद्वारा का डीआईजी जे रविंद्र गौड़ एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीदी पर्व पर सीएम योगी के आगमन को लेकर गुरुद्वारा परिवार की तरफ से तैयारियां हुई पूरी। सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी अजीत कुमार को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मद्देनजर सोमवार को वाहनों का किया गया रूट डायवर्ट, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सोमवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा रूट डायवर्जन। अपहरण में सहयोग करने के आरोप में एक अभियुक्ता को हरपुर बुधहर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी साउथ ने दी जानकारी। चंपा
चंपा देवी पार्क में 1000 से अधिक जोड़े लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शादी के फेरे। नवविवाहित जोड़ों को सीएम योगी देंगे आशीर्वाद। सभी तैयारियां हुई पूरी। जलकल विभाग के सहायक व अवर अभियंता से रंगदारी मांगने वाले शातिर अभियुक्त शिवदयाल पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया गया यातायात नियमों का पाठ। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, विभिन्न माध्यम से जागरूकता फैलाने का निरंतर किया जा रहा है प्रयास, ताकि अधिक संख्या में लोग सड़क सुरक्षा के प्रति हो सके जागरूक। पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, सभी लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए रक्तदान। एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की बचाई जा सकती है जान। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा एग्रो कप क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एल्यूमिनाई व नए खिलाड़ियों के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। एल्यूमिनाई खिलाड़ी विजेता व नए खिलाड़ी हुए उप विजेता। एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम को देखते हुए सोमवार को रूट डायवर्जन किया गया तथा डायवर्जन के साथ आने वाले वाहनों की पार्किंग निर्धारित व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सोमवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रूट डायवर्जन जारी रहेगा, जिसके तहत हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास से नौकायन की तरफ आने वाले सभी वाहन अमर उजाला तिराहा की तरफ जाएंगे। ट्रांसफार्मर नौकायन तिराहे के लिए हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास की तरफ से जाएंगे। पैडलेगंज से चंपा देवी पार्क की तरफ आने वाले वाहन अमर उजाला तिराहे की तरफ से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसके साथ ही सर्किट हाउस से प्रेक्षागृह की तरफ सभी प्रकार के ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा तथा इसके अतिरिक्त पार्किंग के लिए पैडलेगंज तिराहे की तरफ से आने वाले बस और ट्रैक्टर ट्रॉली चंपा देवी पार्क से पहले दक्षिण की तरफ खाली मैदान में खड़े होंगे और 3 पहिया और 4 पहिया वाहन की पार्किंग प्रेक्षागृह के पास खड़ी होगी तथा हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास की तरफ से आने वाले 2-व्हीलर तथा 3-व्हीलर महंत दिग्विजयनाथ पार्क में खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि डायवर्जन के अनुसार बनाए गए पार्किंग पर ही अपने वाहन को खड़ा करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कल जनपद गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम चंपा देवी पार्क में होना है। उस कार्यक्रम के अवसर पर रूट डायवर्जन किया गया है। रूट डायवर्जन में पैडलेगंज से चंपा देवी की तरफ सर्किट हाउस की तरफ जाने वाला सभी प्रकार का ट्रैफिक जो है प्रातः 8 बजे से प्रतिबंधित है और जो नॉर्मल ट्रैफिक आएगा वो हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास से नौकायन की तरफ जो ट्रैफिक आएगा वो अमर उजाला तिराहे की तरफ से जाएगा। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर नौकायन तिराहे के लिए जो है वो भी हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास की तरफ से जाएगा। पैडलेगंज से चंपा देवी की तरफ आने वाले वाहन अमर उजाला तिराहे की तरफ जाएंगे, उधर से अपने गंतव्य के लिए जाएंगे और सर्किट हाउस मोड़ से बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह की तरफ जो है सभी प्रकार का ट्रैफिक जो है प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पार्किंग प्लेस बनाए गए हैं, पार्किंग प्लेस में पैडलेगंज चौराहा की तरफ से आने वाले बस और ट्रैक्टर ट्रॉली वो चंपा देवी पार्क से पहले दक्षिण की तरफ खाली मैदान है, उसमें बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की पार्किंग है और 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पर जो उसके चारों तरफ सड़क बनी हुई है रोड साइड पर वहाँ पार्किंग किया जाएगा और हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास की तरफ से आने वाले 2-व्हीलर और 3-व्हीलर महंत दिग्विजयनाथ पार्क में ट्रांसफार्मर तिराहे की तरफ से उनकी एंट्री होगी, वहीं उनकी पार्किंग होगी और जो बस और ट्रैक्टर ट्राली आएंगे हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास की तरफ से वो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पर ही होंगे और ये डायवर्जन जो है कल प्रातः 8 बजे से
जब तक कार्यक्रम संपन्न होकर सारी भीड़ डिस्पर्सल नहीं हो जाती है, यानी कि 4-5 बजे तक लगभग, तब तक ये डायवर्जन जारी रहेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि डायवर्जन प्लान के अनुसार ही अपना रूट प्लान बनाएं और वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें किसी भी असुविधा से बचने के लिए। हरपुर थाने की पुलिस ने अपहरण में सहयोग करने के आरोप में एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मंजू देवी पत्नी रितेश उर्फ राकेश निवासी ग्राम बारानगर मठिया थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्ता के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हरपुर बुधर थाना प्रभारी विज्ञानकर सिंह, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार कश्यप, कांस्टेबल मोहम्मद कादिर, सुधाकर यादव, महिला कांस्टेबल मीना मिश्रा, सीमा पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना हरपुर मुधर क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या 112/22, जिसमें एक पीड़िता अपहृत है, उसमें विवेचना से ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक महिला ने अपहरण के बाद अपहृता और अभियुक्त दोनों को 3 दिन तक अपने घर में उसने शरण दी थी और उस लड़की के अपहरण में भी षड्यंत्र में ये महिला शामिल थी, जिसके कारण आज इसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे 363, 120B, 368 IPC में न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जनपद के चंपा देवी पार्क में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1000 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चंपा देवी पार्क में वाहनों के पार्किंग व जोड़ों के आने जाने की भी व्यवस्था है। चंपा देवी पार्क में एक बहुत बड़े टेंट को लगाया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 1000 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिसके संबंध में PWD के अवर अभियंता सुजय कुमार गर्ग ने बताया कि यहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया जाएगा। लगभग 1000 जोड़े मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विवाह के बंधन में बंधेंगे और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्टेज को तैयार कर दिया गया है और यहां पर टेंट को भी लगाया गया है, जहां पर जोड़ों को बैठाया जाएगा। इसके अलावा पंडित की विशेष व्यवस्था की गई है, जो कि विधि विधान से मंत्र पढ़कर जोड़ों का फेरे करवाकर शादी करवाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए PWD के अवर अभियंता जय कुमार गर्ग ने कहा, हम लोग प्रमोशन करा दो जाता है। बैठिए, सुधीर कुमार वर्मा, मैं अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माणखंड 3 से हूँ। किस तरह की तैयारियाँ चल रही है यहाँ पे? कल 1000 जोड़ों की शादी होने का प्रोग्राम है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे जो है उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग PWD से हैं, तो हम लोगों को जो अभी फ़िलहाल देखने के लिए निर्देश मिला हुआ है, यहाँ पे 2 स्विस कार्टेज, मेन मंच और ये जर्मन हैंगर, और प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग का कार्य जो है ये सब मिला हुआ है, जिसको हम लोग देख रहे हैं और करवाया जा रहा है। और ये जो पंडाल जो है, ये पंडाल में 1000 जोड़ों की शादी की अरेंजमेंट और सारी व्यवस्थाएं यहीं पे व्यवस्थित की जा रही हैं।
और ये संभवतः हमें लग रहा है कि आज शाम तक हम लोग इसको पूर्ण भी कर लेंगे। कैंट थाने की पुलिस ने जलकल विभाग के सहायक व अवर अभियंता से रंगदारी मांगने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शिवदयाल पांडे पुत्र स्वर्गीय सत्यराम पांडे निवासी रामपुर चक थाना चिदवा ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र राय, कांस्टेबल संजीत यादव, संदीप यादव शामिल रहे। यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में एनसीसी के छात्र व छात्राओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया तथा रेड लाइट और सड़क पर कैसे अपने वाहन को चलाएं इन सभी नियमों के बारे में बताया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात माह के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीसी के छात्रों के माध्यम से और बाकी बच्चों में तथा अपने परिवार रिश्तेदार पड़ोस मोहल्ला यातायात जागरूकता के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि तमाम विभागों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक संख्या में लोग सड़क सुरक्षा के बारे में जान सकें और पालन करें, ताकि जनपद सुरक्षित और सुहाना हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, नियंत्रण में मदद करिए। आप सभी लोग यहाँ आए, मैं एक परिचय और दूं, जो डॉक्टर राकेश राव या हमारे वरिष्ठ रहे हैं, प्राचीन इतिहास से पढ़े हुए हैं, हमारे बीच में आए, ट्रैफिक के बारे में बताया। श्री अजय कुमार सिंह जी हमारे चौकी प्रभारी जी, ये सरकार की व्यवस्था है। पुलिस की डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब हमारा समाज और अनुशासन खराब हो रहा है। हम घर में से लेके बाहर तक डंडे के आदि बनते जा रहे हैं। आप सब बेतब होंगे जब पुलिस की डिमांड कम होगी। सबसे कठिन नौकरी है, सबसे ज़्यादा परेशान है, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो आप ही की वजह से। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा अनुशासनहीनता के नाते पूरी पुलिस परेशान रहती है। कुछ गंभीर हो जाते हैं, कुछ सीधे मामले होते हैं। इतनी सुविधा है, 100 नंबर डायल करिए, लेके गए पता कुछ नहीं चला, पता चला कुछ ने हमारी बकरी टांग तोड़ दी। देश अच्छी दिशा में जा रहा है। जब तक 24 घंटे ज़रूरत है पुलिस की, 8 घंटे की जब ज़रूरत हो तो समझिए समाज सुधर रहा है। के चौकी प्रभारी हैं, मैं चाहता हूँ आप भी अपने ही बच्चों को दो शब्द संबोधित करें, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। श्री अमित चौधरी है, उससे पहले ही अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे निकलने का प्रयास करते हैं, उससे बहुत हादसे होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, और सबसे एक जो मेन चीज, किसी को नींद आ रही है तो आप गाड़ी साइड में रोक दीजिए और थोड़ा आराम करके रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप गाड़ी लेके आगे चलिए। यातायात माह के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान पूरे जनपद में चलाया गया है। इसी कड़ी में आज दीनदयाल विश्वविद्यालय के एनसीसी के जो छात्र हैं, एनसीसी के कैडेट हैं, उनके लिए भी आज यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। एनसीसी के बच्चों के माध्यम से हम चाहते हैं कि शेष जो बच्चे हैं उन सभी के अंदर भी एनसीसी कैडेट मैसेज पहुंचाएं, और अपने घरों में, परिवारों में, अपने पेरेंट्स में जो है यातायात जागरूकता का मैसेज प्रत्येक घर घर तक पहुंचाएं। हमने प्रत्येक प्रकार के नागरिकों के लिए सभी प्रकार के ग्रुप्स को टारगेट किया है, चाहे एनएसएस के वॉलेंटियर्स हों अथवा सिविल डिफेंस के हमारे स्वयंसेवी लोग हों अथवा एनसीसी के कैडेट्स हों, इन सब के माध्यम से भी हम जागरूकता फैलाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि अधिक से लोग सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानें और पालन करें, ताकि सभी का सफर सुरक्षित और सुहाना हो सके।
पूर्वांचल थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इंदिरा बाल बिहार तिराहे पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से आकर रक्तदान में भाग लेकर रक्तदान किया। जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रक्तदान एक बहुत अच्छा कार्य है जो कि सभी लोगों को करना चाहिए। थैलासीमिया एक रोग है जिसमें हर महीने बीमार व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी लोगों को रक्तदान शिविर में आगे आकर रक्तदान में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में 400 लोग हमेशा रक्तदान करते हैं, इससे किसी को किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, हो जाती है अलग से कुछ खा के आए ना कैसा कुछ करने वाले पड़े जाइए अभी आपको चाहिए फिर अरे अभी बहुत फोटो खींचा है थोड़ा सा हाथ पीछे कर आप ले रहा है हम लोगों के लिए आज पूर्वांचल थैलेसीमिया सोसाइटी द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में मुझे आकर अपना ब्लड डोनेट करने का सौभाग्य मिला। सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कोई फैलने वाली या इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और गोरखपुर शहर में कम से कम 400 से ऐसी फैमिलीज हैं जो हर जब जब हर 10-15 दिन में जब जब जरूरत होता है तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाती हैं, और इसलिए ब्लड का डोनेशन बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों के शहर के जितने भी निवासी हैं सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप आइए, खून दीजिए। ब्लड डोनेट करने से आपका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उसके साथ साथ जिस व्यक्ति को आपका ब्लड मिलता है वो व्यक्ति भी अपना जीवन पाता है। थैंक यू। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के एलुमिनाई एसोसिएशन द्वारा एग्रो कप क्रिकेट प्रतियोगिता का कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजन किया गया, जो कि कॉलेज के एलुमिनाई खिलाड़ी व नए खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें एलुमिनाई खिलाड़ी विजेता व नए खिलाड़ी उप विजेता हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि यह कॉलेज की बहुत अच्छी परंपरा है, जो हर वर्ष एलुमिनाई डे पर क्रिकेट मैच खेला जाता है, जिसमें शामिल हुआ, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एलुमिनाई खिलाड़ियों ने कप जीता। सभी विजय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। सभी विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर जेके लाल, डॉक्टर त्रिलोक रंजन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, जो हमारी बरसों पुरानी परंपरा है, इसमें उपस्थित जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स,
और भी जितने लोग हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ टीम को कि प्लीज आकर लाइनअप हो जाए। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी एलुमनाई टीम आप भी प्लीज आकर लाइनअप हो जाए। धीरज कुमार आते रहे जैसा मैं नाम ले रहा हूं। आनंद विश्वकर्मा, दीपू कुमार, सूर्य प्रताप दुबे, संस्कार मिश्रा, विशाल सिंह, अनुज गुप्ता, अर्जुन श्रीवास्तव, अतुल यादव यादव, जनोश जॉय, तो आप सब आपने जोश देखा और राजवीर सिंह सर, श्री अजीत श्रीवास्तव सर, विनोद पाठक सर, गुरदीप सिंह सर, डॉक्टर अजय कुमार राय सर एंड राकेश सर तापी नीचे कर लीजिए आ रहे हैं सर सभी लोग विक्ट्री कर लेंगे थोड़ा ठीक रहे जैसा कि आप लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर अलुमनाई डे के दिन एक मैच खेलते हैं बहुत अच्छी परंपरा है और उस परंपरा का भाग आपने मुझे बनाया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये भी जान के अच्छा लगा कि कई सालों से ये मैच जो है हमारे अलुमनाई ही जीती रहे हैं और स्टूडेंट जो हैं उनको रेस्पेक्ट देते हैं इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ भी मतलब एज ए क्रिकेटर मुझे दिख रहा है कि कौन जीता है वह बट कौन किसको जिताया है बट अच्छी बात है जो अभी हमारे श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि ये जो परंपरा है जो एक रेस्पेक्ट है अपने सीनियर्स के प्रति यही ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है या एक आपको कहूँगा कि शिक्षा है जो कॉलेज देती है और एक अच्छी शिक्षा एक अच्छा कल्चर डेवलप किया है स्कूल ने एक रेस्पेक्ट का। एक रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने सीनियर्स को अपने बुजुर्गों को अपने अभिभावकों को रेस्पेक्ट करें और वो रेस्पेक्ट उन्होंने यहाँ पे दी है और एक अच्छे माहौल में ये परंपरा यहाँ चलती रही है। हर एक साल ये मैच होता है आप लोग इकट्ठा होते हो और ये गेम खेलते हो। सेंट एंड्रयूज कॉलेज एक सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराना कॉलेज रहा है और एक बहुत ही मेरे ख्याल से इसके साथ ऐतिहासिक परंपरा और यादें जुड़ी होंगी। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ के निवासी होंगे जो इस कॉलेज से जुड़े होंगे। हमारे साथ मेरे ही जनरेशन के साथी यहाँ खड़े हैं। मैं इनके साथ इंसिडेंटली पिछले संडे मैं यहीं पर मैच खेल रहा था और इनमें से कईयों के साथ मैं भी क्रिकेट खेला हूँ यहाँ पर आने के बाद। तो मैंने देखा कि कई ऐसे यहाँ के जो छात्र हैं एक अच्छे सिटीजन्स के रूप में गोरखपुर में स्थापित हैं और अच्छा नाम इस कॉलेज के रूप में इस शहर को भी दे रहे हैं तो ये गौरव की बात है सेंट एंड्रयूज कॉलेज के पूरे अलुमनाई इसकी है। देखिए बहुत अच्छी परंपरा है सेंट एंड्रयूज कॉलेज के हर वर्ष अलुमनाई डे पे अलुमनाई वर्सेस करंट स्टूडेंट मैच खेला जाता है। आज भी ये मैच हुआ उसी उपलक्ष में उन्होंने यहाँ हमें बुलाया था। आज उनके साथ बैठने का मौका मिला और उनके इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला मेरा सौभाग्य। थैंक आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर।
दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत दोपहर लगभग 12 बजे आगरा के लिए करेंगे प्रस्थान। करोड़ रुपए की चार प्रमुख परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया शिलान्यास। कहा, बुलेट ट्रेन की गति से विकास कराती है ट्रिपल इंजन की सरकार। विकास के लिए पैसों की नहीं है कोई कमी, संरक्षण की जिम्मेदारी है नागरिकों की। दुष्कर्म व लूट करने वाले दो अभियुक्तों अमरजीत निषाद उर्फ मिट्टू निषाद एवं अरविंद निषाद के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह 10 बजे जटाशंकर गुरुद्वारे पर पहुंचकर करेंगे उनको नमन। सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल गुरुद्वारा का डीआईजी जे रविंद्र गौड़ एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीदी पर्व पर सीएम योगी के आगमन को लेकर गुरुद्वारा परिवार की तरफ से तैयारियां हुई पूरी। सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी अजीत कुमार को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मद्देनजर सोमवार को वाहनों का किया गया रूट डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सोमवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा रूट डायवर्जन। अपहरण में सहयोग करने के आरोप में एक अभियुक्ता को हरपुर बुधहर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। चंपा देवी पार्क में 1000 से अधिक जोड़े लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शादी के फेरे। नौ विवाहित जोड़ों को सीएम योगी देंगे आशीर्वाद। सभी तैयारियां हुई पूरी। जलकल विभाग के सहायक व अवर अभियंता से रंगदारी मांगने वाले शातिर अभियुक्त शिवदयाल पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया गया यातायात नियमों का पाठ। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, विभिन्न माध्यम से जागरूकता फैलाने का निरंतर किया जा रहा है प्रयास, ताकि अधिक संख्या में लोग सड़क सुरक्षा के प्रति हो सके जागरूक। पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, सभी लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए रक्तदान। एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की बचाई जा सकती है जान। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा एग्रो कप क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एल्यूमिनाई व नए खिलाड़ियों के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। एल्यूमिनाई खिलाड़ी विजेता व नए खिलाड़ी हुए उप विजेता। एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।